आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाए। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। जो टीमें पहले से जा चुकी हैं, उनमें से 2 का फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओस, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी, मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो। धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओस के साथ काफी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाएं और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज। कल से
भारत में कोविड 19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं. विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 23,077. टोटल केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन आर 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं. विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है. इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है. यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है. इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है. अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे. हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें. हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें. जहां तक वे जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए. आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड 19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की. उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया. उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया. उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो. किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है. पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाए. इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की एनकरेज करने की बहुत जरूरत है. माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया. उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है. उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की. उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशियंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं. उन्होंने रेडक्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है. उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड 19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है. आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की. सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो है आत्मनिर्भरता. उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की.